फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज फिर से आप लोग के सामने बहुत ही खूबसूरत ग्लैम मेकअप का लुक लेकर के आई हूं, मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के आई हूं। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं इस वीडियो में कि कैसे आप आसानी से ग्लैम मेकअप यानी किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए बोल्ड मेकअप कर सकते हो, और करना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही कम चीज़ों के हेल्प से आज मैं आपके सामने ये बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा पार्टी लुक, पार्टी मेकअप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। तो थियोली का विटामिन सी सीरम से काफ़ी अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, और उसके बाद होंठों को भी काफ़ी अच्छे से लिप बाम या कोई भी लगा ले। फिर एनवाई के यहाँ पे मैंने प्राइमर लिया है, तो प्राइमर लगा ले पूरे फेस में, काफ़ी अच्छे से प्राइमर लगा के 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। उसके बाद एनवाई का यहाँ पे मैंने लिया है कलर करेक्टर, जो कि अगर आपके फेस में कहीं भी डार्क सर्कल वगैरह है तो उसको आप आराम से हाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इसको लगा करके इस तरह से मर्ज कर ले पूरे फेस में, आपके फेस के कलर करेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, डार्क सर्कल्स को बहुत ही ज़्यादा हाइड करेगा। और उसके बाद यहाँ पे लूज़ पाउडर लिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से उससे हम सेट कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जब हम कोई फाउंडेशन कुछ भी लगाएंगे तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो एनवाई का यहाँ पे बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है जिसको हम फिंगर टिप की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस में इसको मर्ज कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन मिक्स हो गया है। उसके बाद कॉम्पैक्ट लिया है कलर बार का, तो बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट से अपने फाउंडेशन को सेट कर लेते हैं पूरे फेस में। एनवाई का यहाँ पे मैंने लिया है आईब्रो पेंसिल। तो आंखों के मेकअप से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आईब्रो को सेट कर लेते हैं, और उसके बाद इस तरह से ब्रश है, उस ब्रश से काफी अच्छे से आईब्रो को सेट कर ले। कलर बार का यहाँ पे फ्लॉलेस कंसीलर है जिसकी वजह से हम अपने आईब्रोज को हाईलाइट करेंगे सबसे पहले इस तरह से, और उसके बाद अपने आई पैलेट को, और फिर पूरे फेस में कंसीलर जहाँ भी आपको ज़रूरत है कंसीलर का वहाँ लगा ले। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वगैरह होती है उसको इस तरह से लगा ले जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे से मर्ज करेंगे। उसके बाद लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे अपने कंसीलर को ताकि जब हम अपने आंखों का मेकअप करें तो बिल्कुल भी वहां पे कुछ भी गिरे तो कंसीलर से बिल्कुल भी मिक्स ना हो। तो लूज़ पाउडर से सभी को हम सेट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर बार का काजल है, बहुत ही खूबसूरत सा काजल है, 001 डार्क ब्लैक है। उससे हम अपने आई शेडो का सबसे पहले रेडी करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ की मदद से मैं आई शेडो रेडी करूँगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो डार्क ब्लैक है ये, तो यहाँ पे आंखों के कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे डार्क ब्लैक लगाना, काजल दोनों आंखों में लगा करके काफ़ी अच्छे से ब्रश से हम इसको मर्ज करेंगे। और जब तक हमारा डिज़ायर्ड कलर नहीं मिलता तब तक हम इसको एक दो बार करके ज़रूर लगाएंगे, और दूसरे साइड भी इस तरह से ब्रश से मर्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनवाई का बहुत ही लिप क्रियोन खूबसूरत सा पर्पल शेड है आप, और उससे हम यहाँ पे दूसरे शेड जो है आंखों का शेड डालेंगे। सिर्फ काजल और इसके वाले कलर की मदद से ही आज मैं अपने आंखों का बहुत ही खूबसूरत मेकअप रेडी कर रही हूँ, आई शेडो बना रही हूँ। देखिए आप, बहुत ही अट्रैक्टिव बना है। और फिर दोनों को ब्रश से हम मर्ज करेंगे। फ्लफी ब्रश की मदद से काफी अच्छे से मर्ज करें। अभी थोड़ा लाइट है तो एक बार और लगा लेते हैं, यानी जब तक आपको डिजायर्ड कलर ना मिले, जब तक आपका अपना कलर, मनचाहा कलर ना मिले तब तक आप लगाएं दोनों साइड काजल भी या और लिपस्टिक का जो हमने लिया हुआ शेड वो भी, दोनों लगा करके काफी अच्छे से ब्रश से मर्ज करें। और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे जो आप काजल वाले ब्रश से जो मर्ज करते हो उसको सेम दूसरे वाले कलर से ना मर्ज करें, नहीं तो फिर दोनों काजल इस साइड का उस साइड और फिर अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पे आप मर्ज करने के लिए दो ब्रश का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही है।
देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ गया है। और उससे एक लाइट शेड मैं यहाँ पे ले रही हूँ और लिपस्टिक का हल्का सा ब्राउन शेड है, जिसको कि हम ट्रांजिशन कलर देंगे अपने आँखों में, और लगा करके काफ़ी अच्छे से फ्लफी ब्रश की मदद से हम मर्ज करेंगे, जिससे हमारा ट्रांजिशन कलर उभर के दिखेगा। तो ये देखिए नीचे जो गिरा हुआ है उसको हम झाड़ लिए ब्रश की मदद से, और फिर अपने नीचे वाले लोअर लैश लाइन पे भी सेम यही करेंगे, सेम शेड डालेंगे। इधर से पिंक हमने ब्रश पे लगा लिया है और फिर काजल दूसरे साइड से, और लगा के फिर काफ़ी अच्छे से दोनों को मर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेस्मे का बहुत ही खूबसूरत सा लाइनर है, तो लाइनर लगा ले। यहाँ पे मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं विंग लाइनर कैसे लगाया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइनर लग के रेडी हो चुका है। अब मस्कारा लिया, यहाँ पे कर्लिंग मस्कारा है लैक्मे का, मस्कारा लगा ले। और मस्कारा लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फेक लेसेस, तो दोनों आंखों को काफी अच्छे से मस्कारा कर ले। मस्कारा करने के बाद लेसेस जो होता है फेक बहुत ही अच्छे से लगता है। और फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिया है NY का ब्लैक कलर का काजल, तो लोअर वाटर लाइन जो होता है वहाँ पे लगा ले, और फिर अपर वाटर लाइन पे भी आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, और नीचे भी इस तरह से मस्कारा कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे फेक आईलैशेस, जो कि मैंने ग्लू की हेल्प से लगाया है, तो काफ़ी अच्छे से लगता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे से लगता है। तो दोनों आंखों पे हमने फेक लेसेस लगा लिया है, और इसको लगाने के बाद आंखों की खूबसूरती बिल्कुल चेंज ही हो जाती है। तो बस ब्रश की मदद से हम झाड़ लेंगे जो भी नीचे गिरा होगा। NY का यहाँ पे मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा सा है, ब्राउन्जर है, कॉन्टोरिंग आप कर सकते हैं इसकी मदद से, ये आप इसका काम जो है कंसीलर का भी यूज़ कर, एज ए कंसीलर, एज ए ब्राउन्जर, एज ए फाउंडेशन, सब तरह का है। NY का है, मैंने ऑनलाइन लिया है, इसका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं जो भी इसमें से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो कॉन्टोर कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से, कॉन्टोरिंग करने से फेस का लुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है फेस, तो कॉन्टोरिंग बिल्कुल करना ना भूले। और फिर कॉन्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने पाउडर का यूज़ किया है, सेम कॉन्टोरिंग पे हम करेंगे, ब्राउन्जिंग करेंगे, तो लुक और भी उभर के दिखेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लुक दिख रहा है, और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से सभी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे कलर बार का काफ़ी अच्छा जो है ब्लश है, पिंक शेड का बिल्कुल मैच किया हुआ मैंने ब्लश यूज़ किया है, बिल्कुल आँख और जो हमने आई शेडो लगाया उससे मैच करता हुआ हमने लगाया है ब्लश। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मैबलिन का हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर अपने सबसे अच्छे गाल के ऊपर लगा लेंगे, और हाइलाइटर काफ़ी अच्छे से लगाना है ताकि आपका पूरा फेस और भी खूबसूरत दिखे। तो होंठों के ऊपर, नाकों के ऊपर, फोरहेड पे, सभी जगह हाइलाइटर लगा ले, जहाँ पे भी हाइलाइटर की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी अच्छे से हाइलाइटर लगाएंगे, क्योंकि मेकअप में हाइलाइटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, पूरे मेकअप को काफ़ी अच्छे से उभारता है। तो यहाँ पे आईब्रोज के नीचे भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे हम फ्लैट ब्रश की मदद से, और फिर आँखों के कॉर्नर पर यहाँ तो बिल्कुल भी लगाना ना भूले। तो हाइलाइटर लगाने से ही पूरे मेकअप का एक फाइनल लुक आता है। उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक हमने वही यूज़ किया है जो कि हमने NY का यूज़ किया था आँखों के ऊपर आई शेडो लगाने के लिए, तो सेम लिपस्टिक लेंगे। और इसका अगर आपको परचेज लिंक या कुछ भी चाहिए होगा दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। NY का बहुत ही खूबसूरत सा लिपस्टिक है। उसके बाद लॉरियल पेरिस का ये मेकअप फिक्सर है, तो काफ़ी अच्छे से मेकअप को फिक्स कर दीजिए, लॉन्ग लास्टिंग रहे। बस हो गया हमारा ये फाइनल लुक, फाइनल मेकअप, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ग्लैम जिसको बोलते हैं, किसी भी ग्लैमरस पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेकअप है। तो आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, ज्वेलरी चेंज कीजिए, जैसा भी पहनना है उस हिसाब से पहनिए, बिल्कुल पार्टी लुक तैयार है। तो ज्वेलरीज और गहने जो भी है, जो भी पहनिएगा, जिस हिसाब से कपड़े पहनिए उसी हिसाब से हेयर स्टाइल बनाइए, तो उन सभी के लिए ये परफेक्ट मेकअप है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।